सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। जयंत चौधरी ने मदन भैया के प्रचार में झोंकी ताकत, दो दिन में 21 गांव में की नुक्कड़ सभा, घर घर बांट रहे हैं वोटर पर्ची। दो होमगार्डो में सरेआम हाथापाई, ड्यूटी पर लेट पहुंचने को लेकर हुआ विवाद, राहगीर ने 29 सेकंड का वीडियो वायरल किया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लगी हल्दी, 11 मंदिर से निकाली जाएगी राम की बारात, मंदिर के महंत बनेंगे राजा दशरथ। झांसी में चलेगी हाफ ऑन हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बसें, ₹500 होगा किराया, पर्यटन किला म्यूजियम ऊर्जा की सैर कर सकेंगे। गाजियाबाद में सड़क पर भिड़े महिला पुरुष, शादी के डीजे तेज आवाज में बजने पर हुआ विवाद, सड़क पर लड़ाई से लगा जाम। पंद्रह दिन का प्रेम विवाह और मौत, जौनपुर में एक साल तक लव अफेयर में थे, लाश कमरे में फंदे से लटकती मिली, कोई सुसाइड नोट नहीं मिली। रायबरेली में दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। मदरसों में आठवीं के तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, केंद्र सरकार ने दिया है आदेश, पिछले साल 6 लाख छात्रों को दी गई थी। डॉक्टर पर हमला करने वाले सपा पार्षद को जेल भेजा, मुरादाबाद में मेडविन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में की थी तोड़फोड़। मुरादाबाद में रोडवेज बस ने युवक को कुचला, देहरादून का रहने वाला था मृतक प्रमोद, सीसीटीवी में खंगाल रही पुलिस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिप्टी सीएम के काफिले से टकराई नील गाय, केशव प्रसाद गाड़ी में मौजूद नहीं थे, बनारस से लखनऊ आ रहा था काफिला। आजमगढ़ के 8 थानों में फेरबदल, जमीनी कब्जे के आरोप में हटाए गए अतरौलिया इंस्पेक्टर, वायरल हुआ था वीडियो। ₹151 लंबे झंडे के साथ क्रांतिकारियों को दी गई सलामी, इटावा में पंचनद के तट पर चंबल के वीरों को किया गया याद, जलाए गए 151 दीप। दवा सप्लायर को लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में दबोचा गया, मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली, पैर में लगने से घायल हुआ बदमाश। औरैया में प्यार फिर धर्म परिवर्तन की कहानी, लव मैरिज कर 10 साल पत्नी की तरह रखा, अब धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाव। शादी से इनकार पर तस्वीरें की वायरल, जाप छोड़ने को मजबूर हुई युवती, आरोप युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में ब्रेजा ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी है, एमएमजी हॉस्पिटल के सामने रात 2 बजे हुआ हादसा, एक सिपाही की हालत गंभीर। महोबा में अंधविश्वास के चलते किशोरी की हालत गंभीर, जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, डॉक्टर कर रहे इलाज। हत्या नहीं, एक्सीडेंट में हुई थी छात्र की मौत, बरेली के बीए के छात्र बादाम की मौत का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। फतेहपुर में पति की आत्महत्या, मायके से वापस नहीं आ रही थी पत्नी, काफी दिनों से दोनों का फोन पर हो रहा था झगड़ा।
अंबेडकर नगर में सरकारी समितियों से गायब है डीएपी, खाद उपलब्ध न होने से किसानों की बुआई हो रही प्रभावित। जलौन में चोरों ने लाखों के जेवरात नकदी की है पास, सुने घर को बनाया निशाना। परिजन गए थे शादी में, समारोह में सुबह लौटते तो पता चला कि चोरी हो गई। मिर्जापुर में नकली मूर्ति बेचने वाले गिरफ्तार, सोने की मूर्ति बताकर 1.5 लाख रुपए ऐंठे। दो और आरोपी पकड़े गए, अब तक 5 की गिरफ्तारी। उन्नाव में गोदाम इंचार्ज व मैनेजर ने ड्राइवर को पीटा है, ट्रक ड्राइवर ने की है हड़ताल, 24 घंटे तक प्लांट की सेवाएं रही ठप। रामपुर में हकीम ने महिला मरीज से किया है रेप, 4 दिन पहले की वारदात जानकारी पर परिजनों का हंगामा, 20,000 में हुआ समझौता। फरुखाबाद में पुरानी रंजिश में पत्रकार ने मारी है गोली, गोली लगने से पत्रकार हुआ गंभीर रूप से घायल, दबंग हुए फरार। डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, घंटों हाईवे में लगा रहा जाम। कुशीनगर में लाइसेंसी देसी शराब की दुकान पर छापा, छापे के दौरान दुकान के अंदर अवैध शराब बरामद। कानपुर में वीवीआईपी मरीज के लिए सड़क पर उतरी 3 जिलों की पुलिस, लखनऊ से कानपुर रेजिडेंसी हॉस्पिटल तक कॉरिडोर। हरदोई में चाचा ने भतीजे पर बरसाई गोलियां, एक की मौत, घटना के बाद बाइक जलाई गई, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। आजमगढ़ में अतरौलिया व कप्तानगंज थाने के प्रभारी हटाए गए, जहानगंज में नए एसओ, 6 इंस्पेक्टर 2 एसआई को एसपी ने इधर से उधर किया। बुलंदशहर में दलित युवती को रास्ते में पीटने का वीडियो हुआ वायरल, युवक ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी है तहरीर। गाजियाबाद में फोम फाइनेंस कंपनी की नई शाखा शुरू, कंपनी 12 नई शाखाओं का कर रही है विस्तार। गोंडा में चीनी मिल किसानों का नहीं हुआ भुगतान, किसान सड़कों पर उतरकर किसानों ने किया है प्रदर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने 600 लोगों की शिकायत सुनी, समस्याओं को सुना और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा भी। गोंडा में पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन, धानेपुर क्षेत्र को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा। हरदोई के खेत में नर कंकाल मिलने से मची है सनसनी, 2 महीने से लापता बुजुर्ग के शव होने की जताई जा रही आशंका, पुलिस तफ्तीश में जुटी। रायबरेली में आवारा मवेशियों को पकड़कर ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में किया बंद, प्रधान द्वारा संबंधित विभागों को दी गई सूचना। कुशीनगर में एनसीसी के स्थापना दिवस पर निकाली गई है रैली, एनसीसी की स्थापना की दी गई है जानकारी। मऊ दौरे पर पहुंचे नगर विकास मंत्री श्री एके शर्मा, नगर विकास मंत्री ने 20 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। रायबरेली में निजी अस्पताल में उपचार के बाद श्रमिक का हुआ निधन, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया है लापरवाही का आरोप।
मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का हुआ है आयोजन। स्वास्थ्य मेले के चौथे चरण का 31वां आयोजन, 7545 गोल्डन कार्डर किए गए वितरित। रायबरेली में बाइक सवार युवक के पैर में घुसी सरिया, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में प्रशासन द्वारा बंद कराए गए अवैध भट्टे दोबारा हुए चालू, जिलाधिकारी के आदेश के बाद हुई थी अवैध भट्टों पर कार्यवाही। रायबरेली में नहीं थम रहा है पराली जलाने का मामला। पराली जलाने का मामला को सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सामने, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। संभल में होटल से प्रेमी जोड़े को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, लोगों ने हिरासत में लिए जाने का विरोध किया, पुलिस ने लाठी फटकाकर भीड़ को किया शांत। रायबरेली में 8 माह पहले ही बनी सड़क धसी, स्थानीय लोगों ने सड़क के निर्माण में अनियमितता बरतने के साथ जांच की मांग भी की। बुलंदशहर में लव जिहाद का शिकार हुई युवती, नाम बदलकर जाल में फंसाया, निकाह के बाद दोस्तों और परिजनों से कराया दुष्कर्म। रायबरेली में दिव्यांगों को नहीं मिल रही है पेंशन, मामला सरेनी थाना क्षेत्र के जदईत खेड़ा गांव का है, वीडियो हुआ है वायरल। औरैया में अज्ञात कारणों से मुर्गी फार्म में लगी है आग, आग लगने से 4000 मुर्गी के बच्चे जलकर हुए खाक, लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। देवरिया में साड़ी सेंटर पर छात्रों का मोबाइल हुआ है गायब, पीली साड़ी पहनी महिला ने उठाए कर रखती थी नजर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गाजियाबाद में बाइक सवार दो सिपाहियों को कार ने रौंदा है गंभीर हालत में, दोनों सिपाहियों को यशोदा अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान, बेटा गोकुल थाना इलाके के ग्राम चंदुपुर खैराई की घटना है, घटना का जायजा लेने पहुंचे एसपी। पुलिस के रडार पर सपा विधायक इरफान सोलंकी का करीबी, पुलिस टीम हिरासत में लेकर पुलिस कर सकती है पूछताछ। चाचा भतीजे के मिलन पर सुरक्षा कटौती, शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाई गई, जेड श्रेणी के स्थान पर वाई श्रेणी घेरे में अब रहेंगे। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हुए सपा नेता आजम खान। लखनऊ के विकास नगर में धसी सड़क, 20 फीट का बना गड्ढा, समा जाएगी बड़ी बड़ी गाड़ियां। शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य का बयान, बोले सनातन धर्म को ना तो कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही कभी खत्म कोई कर पाएगा। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 3 बहनों को रौंदा, 6 साल की बच्ची की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, मां के साथ पैदल मार्केट जा रही थी तीनों। लखनऊ जू में आई नई मेहमान, 2100 किलोमीटर के सफर तय कर पहुंची सफेद बाघिन इंद्रा, अपने से 6 साल छोटे जय संग बढ़ाएगी कुनबा। हाथस में हाईवे पर एपीजी गैस कैप्सूल पलटने से जाम, बाईपास से डायवर्जन होकर निकाले गए वाहन, कई किलोमीटर लंबी लगी है वाहनों की कतारें। कासगंज में पिता ने 3 महीने के बच्चे को किया अगवा, 5 लाख में बेचने का था प्लान, 12 घंटे में पुलिस ने एटा से किया बरामद।
पीलीभीत सीएमओ के सामने हाथ काटने की धमकी, घटना के 24 घंटे बाद भी नहीं दी गई आरोपियों के खिलाफ तहरीर। गोरखपुर में 1192 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ, आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम योगी, बोले बाल विवाह और दहेज कुप्रथा के खिलाफ ले संकल्प। बिजनौर नगर निकाय पर चर्चा, लोगों ने साफ सफाई नहीं होने, नालियों में भारी गंदगी, टूटी सड़कें की बताई समस्या। आगरा में बहन की हत्या करने वाला भाई गिरफ्तार, शनिवार को जमीनी विवाद में चलाई थी गोली, ताबड़तोड़ गोलियां, असलहा बरामद। लखनऊ में जनरल बस में लगी है आग, चालक ने इंजन से धुआं निकलता देख गाड़ी रोकी, यात्री बाल बाल बचे। बलरामपुर में श्रीराम विवाह महोत्सव का शुभारंभ सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने किया, कहा नेपाल से जुड़े क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता। रोनिल के परिजनों ने सीएम से मिलने की लगाई है गुहार, बोले अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिल सके तो पूरा परिवार हत्याकांड के खुलासे को लिखेगा खून से पत्र। झांसी में आग से झुलसी महिला की मौत, पति से चल रहा था विवाद, पिता का आरोप, बेटी को जलाकर मारा। बजरंग दल नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन मुरादाबाद में, बोले लोग इलाके में दादागिरी जमाने के लिए मर्डर हुआ। बलिया में पुलिस विभाग में हुए हैं ट्रांसफर, एसपी ने 8 उप निरीक्षकों का बदला कार्य क्षेत्र, एसएसआई कोतवाली बनाए गए वंश बहादुर सिंह। बाराबंकी में जनरल रोडवेज बस में लगी है आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण, यात्रियों ने कूद कर बचाई जान। बिजनौर में डेकोरेशन के सामान के गोदाम में लगी है आग, लाखों का सामान जलकर हुआ है खाक, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। हापुड़ में अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटी है, कई छात्र मामूली रूप से घायल हुए, बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी बस। फिलहाल 75 जिलों की बड़ी खबरों, बस इतना ही, देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार।